हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स हम सभी की लाइफ आजकल इस भागती रेस में कई बार ऐसा लगता है कि हमें बड़ा परेशान कर रही है। और आजकल सभी लोगों को एक बात जो सबसे ज्यादा परेशान करती है वो है अकेलापन। या तो वो सिचुएशनल अकेलापन है या फिर कई बार ग्रुप में होकर भी लोग हमारी बात नहीं मानते हैं, फैमिली में होने के बाद भी लोग हमें नहीं सुनते हैं तो भी हमें अकेलापन फील होता है। और कई बार यही अकेलापन हमें से बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन का शिकार बना देता है। अगर ऐसा आपके साथ है तो यह वीडियो आज आप ही के लिए है। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे नए नए वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएं। फ्रेंड्स अकेलापन जो है ना वो जहां हमें नेगेटिव लगता है वहीं वह पॉजिटिव भी होता है। जैसे एक सिक्का होता है उसके हमेशा दो पहलू होते हैं, उसी तरह से हर सिचुएशन के हमेशा दो पहलू होते हैं। जिस तरह से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो साथ में वो नया अवसर भी लेकर आती है, तो इस तरह से प्रॉब्लम के भी दो पहलू हुए, एक तो प्रॉब्लम और दूसरा उसमें छिपा अवसर। यहाँ तक कि अगर हम अपने आस पास के जो सफल लोग हैं उनकी तरफ एक निगाह डालें तो पाएंगे कि अगर उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आती तो कभी भी उस स्थान पर नहीं पहुँचते जहाँ पर वो अब हैं। ऐसे ही मैं आपको 5 बातें बताऊंगी जो अकेलापन होने पर हमें बहुत अधिक ऊंचाइयों तक लेकर जा सकती हैं और हम अपने आप को बिल्कुल नया और क्रिएटिव बना सकते हैं। चाहे हमारे पास सिचुएशनल अकेलापन है या फिर हमारे पास साथ रहते हुए भी अकेलापन है, उसका जो पहला सबसे बड़ा और पॉजिटिव पॉइंट है वो यह है कि अकेले लोगों की एक यूनिक पर्सनैलिटी बन जाती है। कहते भी हैं कि भीड़ जो होती है वो हमेशा एक जैसी लगती है, लेकिन जो भीड़ से अलग होता है वो सदा अपनी पहचान बनाता है। अगर हम इस पर अपना आप फोकस करके रखें तो जो हमारे अंदर की क्रिएटिविटी है वो बाहर आती जाती है। अगर हम अकेलेपन को एकांत समझकर अपने आप में ही अलग अलग काम करते रहें, नए नए काम करते रहें, तो वह अकेलापन हमेशा सक्सेसफुल होता है। और इसके साथ अकेले लोगों में जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि वो फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। और फ्रेंड्स यह वाकई बिल्कुल सच बात है। वो फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके ऊपर कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए लेकिन उसको उन्हें अकेले ही सहन करना है और अकेले ही उसे मुकाबला करना है, अकेले ही उसको पराजित करना है। तो ऐसा करने से जो उनकी बॉडी की केमिकल पॉइंट्स होते हैं वो एक तरह से पॉजिटिव हो जाते हैं और उनको उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए नए नए समाधान प्रस्तुत करते हैं। जब एक इंसान फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होता जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो इस तरह से जो तीसरा पॉइंट है वह यह है कि अकेले रहने वाले व्यक्तियों का जो कॉन्फिडेंस है वो आम लोगों से बहुत अधिक होता है। और अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आप दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं कॉन्फिडेंस के बल पर। और कॉन्फिडेंस सबसे पहले कैसे डेवलप होता है कि अगर कोई यह समझ रहा हो कि आप यह नहीं कर सकते उसके बाद भी आपके मन में यह उम्मीद है, यह विश्वास है कि नहीं आप कर सकते हैं। चाहे सारी दुनिया यह मान कर बैठी है कि नहीं यह काम तो हम कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर हम अपने आप में ये ठान लें और मान लें कि नहीं यह काम सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ तो हम उस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अकेले रहने वालों में जो चौथा प्रमुख गुण भर कर आता है वह है उनकी क्रिएटिविटी। जी हाँ फ्रेंड्स यह बिल्कुल सही बात है। आप दूर से दूर कर सोच कर देख लीजिए कि जो भी बहुत बड़ी बड़ी बुक्स हैं, महाकाव्य हैं, वो सभी एकांत में ही लिखे गए हैं। और एकांत में जो इंसान का बेस्ट आउटपुट है वो बाहर आता है क्योंकि एकांत में जो उसका मन है वो बिल्कुल शांत हो जाता है, चारों तरफ का शोरगुल एकदम बंद हो जाता है और अंदर की आंतरिक मन की वो आवाजें भी हमें सुनाई दे जाती हैं जो भीड़ और शोरगुल में सुनाई नहीं देती। और इस तरह से जो इंसान के अंदर कुछ क्वालिटीज हैं वो बाहर निकल कर आती हैं। इसीलिए अगर आपको यह पहचान करनी है कि आपके अंदर बेस्ट क्वालिटी कौन सी है तो उसके लिए आप अपना कुछ समय अकेले अवश्य बिताएं और यह सोचें कि आखिर ऐसी कौन सी खास बात आप में है जो आपको आगे तक ले जा सकती है, आपकी लाइफ को एक नया मुकाम दे सकती है। निसंदेह जो आपका बेस्ट आउटपुट है वो अवश्य बाहर आएगा। और इसके साथ ही अकेले रहने वाले लोगों में जो सबसे इंपॉर्टेंट 5वां गुण है वह होता है लीडरशिप का। जब एक व्यक्ति अकेला होता है तो
उसके अंदर लीडरशिप की भावना अपने आप ही उत्पन्न होने लगती है। और किसी भी कार्य को जो करने की सबसे बड़ी खूबी है उसकी यही खूबी है कि आपके अंदर लीडरशिप के गुण होने चाहिए, आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए कि आप कैसे उस कार्य को सही मोड़ सही दिशा दे सकते हैं और कैसे बेस्ट रिजल्ट उसमें प्राप्त कर सकते हैं। लीडरशिप का गुण जो होता है वो हमें जोखिमों से लड़ना भी सिखाता है और इसके साथ साथ वो हमें विजय के शिखर पर भी ले जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का यह वीडियो अवश्य पसंद आएगा और मैं जल्दी ही आपसे मिलती हूँ किसी नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।